हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा पर हैंडीक्राफ्ट। आज यहाँ पर मैं एक ग्राफ लेकर के आई हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये टू कलर्स का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर 13 फंदों का है और 18 सिलाइयों का है। यहाँ पर दो दो फंदों का गैप रहेगा हर ग्राफ के बीच में। यहाँ पर ये जो ग्राफ है उसके बीच में दो दो फंदों का गैप रहेगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने ये यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है। 17 फंदे मैंने लिए हैं और यहाँ पर देखिए, दोनों साइड से 3-3 फंदे जो हैं वो ग्राफ का, और 2-2 फंदे जो हैं एक्स्ट्रा। 5 फंदे पहले वाइट बुनना है, फिर 1 फंदा ग्रीन, 1 फंदा वाइट, 1 फंदा ग्रीन, 1 फंदा वाइट, 1 फंदा ग्रीन, 1 फंदा वाइट, 1 फंदा ग्रीन, फिर 5 फंदा वाइट। ये फर्स्ट सिलाई है। और सेकेंड सिलाई में यहाँ पर 5 फंदा जो वाइट है उसे हम वाइट से बुनेंगे। 5 फंदा यहाँ पर वाइट हो जाएगा और उसके बाद एक फंदा ग्रीन को कर देना है वाइट। यहाँ पर 6 फंदा अभी वाइट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर ये 5 फंदा ग्रीन हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद इधर 6 फंदा वाइट कर देना है। अब देखिए, आगे से 6 फंदा वाइट बुन लिया है, एक फंदा ग्रीन को भी कर देना है वाइट। यहाँ पर 7 फंदा हो गया वाइट, 3 फंदा होगा ग्रीन, और उसके बाद फिर इधर 7 फंदा वाइट हो जाएगा। पीछे से भी 7 फंदा वाइट बुन लेना है। पीछे से यहाँ पर 3 फंदा वाइट बुनना है, उसके बाद यहाँ पर बुनना है 2 फंदा ग्रीन बुन लेना है, उसके बाद फिर यहाँ पर 3 फंदा वाइट बुनना है, 1, 2 और 3। एक फंदा ग्रीन को कर देना है वाइट, फिर 1 फंदा यहाँ पर ग्रीन होगा, फिर यहाँ पर 3 फंदा वाइट होगा, और उसके बाद 2 फंदा ग्रीन से बुन लेना है, और बाकी 3 फंदा जो वाइट है उसे वाइट से बुन लेंगे। अब आगे से देखिए, 2 फंदा वाइट बुनना है, 2 फंदा ग्रीन बुनना है, एक फंदा वाइट को ग्रीन करना है। यहाँ पर ग्रीन को करना है वाइट, 2 फंदा वाइट हो गया, फिर यहाँ पर 2 फंदा ग्रीन होगा, 1 फंदा ग्रीन को वाइट, फिर 2 फंदा वाइट को करना है ग्रीन, फिर यहाँ पर 2 फंदा वाइट होगा और 2 फंदा ग्रीन होगा। उसके बाद 2 फंदा जो वाइट है इसे हम वाइट से बुन लेंगे। अब पीछे से यहाँ पर देखते हैं, पीछे से यहाँ पर एक फंदा, यहाँ पर 2 फंदा वाइट है, तो अभी यहाँ पर ही हो जाएगा 3 फंदा वाइट, 3 फंदा वाइट हो गया, एक फंदा ग्रीन को करना है ग्रीन। यहाँ पर अभी ये 3 फंदा ग्रीन होगा, 1, 2 एंड 3, 3 फंदा ग्रीन हो गया, 1 फंदा होगा वाइट, यहाँ पर ये 1 फंदा वाइट हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ पर एक फंदा और वाइट करेंगे, 2 फंदा वाइट हो गया, फिर ये जो वाइट है इसे करेंगे ग्रीन, फिर 2 फंदा जो ग्रीन है इसे करेंगे वाइट, फिर यहाँ पर 3 फंदा हम करेंगे ग्रीन, 1, 2 एंड 3, 3 फंदा हो गया ग्रीन, फिर ग्रीन को करना है वाइट और 2 फंदा जो वाइट है उसे वाइट से बुन लेंगे। अब आगे से देखते हैं, आगे से यहाँ पर 3 फंदा वाइट है अभी, तो यहाँ पर हम 4 फंदा वाइट करेंगे, 3 फंदा वाइट को वाइट और एक फंदा ग्रीन को वाइट, यहाँ पर ये 4 फंदा वाइट हो गया। अब 2 फंदा ग्रीन होगा, उसके बाद 2 फंदा वाइट है, एक फंदा ग्रीन है, फिर यहाँ पर 2 फंदा वाइट है, 1 फंदा ग्रीन होगा, 2 फंदा यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर देखिए 2 फंदा यहाँ पर हो गया वाइट, उसके बाद 2 फंदा यहाँ पर ग्रीन करना है, और फिर यहाँ पर ये जो ग्रीन है एक फंदा इसे हम वाइट से बुन लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 4 फंदा वाइट। अब पीछे से चलिए देखते हैं, पीछे से यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 फंदा यहाँ पर वाइट बुन लेना है। ये जो बीच वाला ग्रीन है इसको छोड़कर, इसके बाद यहाँ पर जो ग्रीन है इसे हम करेंगे पिंक, और फिर यहाँ पर पूरा जो है उसको वाइट बुन लेंगे। अब आगे से देखिए, 4 फंदा यहाँ पर मैंने बुन लिया है वाइट, उसके बाद यहाँ पर होगा 2 फंदा पिंक, 1 फंदा यहाँ पर होगा वाइट, 3 फंदा होगा यहाँ पर पिंक, 1 फंदा होगा वाइट, अब यहाँ पर ग्रीन होल नहीं लगेगा, उसके बाद फिर हम बुनेंगे 2 फंदा पिंक और उसके बाद 4 फंदा वाइट को वाइट से बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर पीछे से 3 फंदा वाइट मैंने बुन लिया है, अब यहाँ पर बुनना है 4 फंदा पिंक हो जाएगा, 1 फंदा होगा वाइट, 2 फंदा यहाँ पर देखिए 1 फंदा वाइट हो गया, 1 फंदा पिंक होगा, 1 फंदा फिर वाइट होगा, फिर यहाँ पर 4 फंदा पिंक हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4 फंदा पिंक हो गया, फिर ये 3 फंदा जो है इसे हम वाइट से बुन लेंगे। अभी आगे से चलिए,
आगे से यहाँ पर थ्री फंदा वाइट है, तो अभी ये हो जाएगा, देखिए 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर हो गया 4 फंदा वाइट। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 फंदा यहाँ पर हो गया पिंक। एक फंदा पिंक को करना है वाइट और 3 फंदा जो वाइट है उसे वाइट से बुन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, पीछे से 3 फंदा वाइट बुनना है, फिर यहाँ पर 2 फंदा पिंक बुनना है, 1 फंदा वाइट बुनना है, फिर यहाँ पर 2 फंदा पिंक बुनना है, फिर यहाँ पर 1 फंदा वाइट बुनना है, फिर यहाँ पर 2 फंदा पिंक बुनना है, 1 फंदा वाइट बुनना है, और उसके बाद फिर 2 फंदा पिंक बुनना है और बाकी 3 फंदा जो वाइट है उसे वाइट से बुन लेना है। फिर अब देखिए आगे से 2 फंदा वाइट बुनना है, उसके बाद यहाँ पर बुनना है 5 फंदा पिंक, 3 4 एंड 5, 5 फंदा हो गया पिंक, 3 फंदा यहाँ पर हम बुनेंगे वाइट, 1 फंदा वाइट था, अभी यहाँ पर ये दोनों साइड से एक एक फंदा को पिंक को वाइट करना है, 3 फंदा हो गया, फिर इस साइड भी हम 5 फंदा पिंक से बुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 फंदा जो वाइट है इसे हम बुनेंगे वाइट से। अब यहाँ पर पीछे से देखिए, पीछे से यहाँ पर होगा 1 2 फंदा जो वाइट है इसे तो हम वाइट से बुन लेंगे, एक्स्ट्रा है, फिर यहाँ पर 1 फंदा पिंक को करेंगे वाइट, फिर यहाँ पर हम 2 फंदा पिंक लेंगे, 1 फंदा वाइट लेंगे, फिर यहाँ पर हम 2 फंदा पिंक लेंगे, 1 फंदा वाइट लेंगे, 2 फंदा फिर पिंक लेंगे, उसके बाद 1 फंदा वाइट लेंगे, फिर 2 फंदा यहाँ पर देखिए 2 फंदा यहाँ पर पिंक लेंगे, फिर 1 फंदा पिंक को वाइट कर देना है और जो 2 फंदा वाइट है इसे वाइट से बुन लेंगे। अब यहाँ पर 3 फंदा पिंक वाइट है तो 4 फंदा वाइट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 फंदा पिंक हो गया, फिर उसके बाद ये जो 1 फंदा पिंक है इसे कर देंगे वाइट, यहाँ पर इस साइड भी 4 फंदा ये वाइट हो गया, 3 फंदा से वाइट हो गया, पीछे में 4 फंदा वाइट था, अभी 3 फंदा वाइट हो गया, यहाँ पर हम बुनेंगे 4 फंदा पिंक, 3 एंड 4, 4 फंदा पिंक हो गया, 1 फंदा वाइट होगा, 1 फंदा पिंक होगा, 1 फंदा वाइट होगा, फिर यहाँ पर 4 फंदा हम बुनेंगे पिंक से, 1 2 3 एंड 4, 4 फंदा पिंक हो गया, और ये जो 3 फंदा वाइट है इसे हम बुन लेंगे वाइट से। अब आगे से देखते हैं, आगे से यहाँ पर अब आगे से 3 फंदा वाइट है तो उसको वाइट करेंगे, 1 फंदा पिंक को हम करेंगे वाइट, 2 फंदा पिंक बुनेंगे, फिर यहाँ पर हम 1 फंदा वाइट बुनेंगे, फिर यहाँ पर 3 फंदा पिंक होगा, उसके बाद 1 फंदा वाइट, 2 फंदा पिंक, और उसके बाद यहाँ पर 1 फंदा जो पिंक है इसे वाइट करेंगे और जो वाइट है उसे हम वाइट से बुन लेंगे। अब पीछे में यहाँ पर देखिए, पीछे में अब ये लास्ट सिलाई है तो लास्ट सिलाई में यहाँ पर हम बुनेंगे 4 फंदा जो वाइट है उसे हम वाइट से बुनेंगे, फिर यहाँ पर इसे भी वाइट करेंगे पिंक को, 6 फंदा हो गया, उसके बाद यहाँ पर 7 8 8 फंदा यहाँ पर हो गया वाइट, 1 फंदा पिंक, इस साइड भी हम यहाँ पर 8 फंदा वाइट कर लेंगे, पूरा वाइट हो गया, उसके बाद ये यहाँ पर ये ग्राफ रेडी हो गया, आगे से पूरा वाइट बुन लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ग्राफ रेडी हो गया है, देखिए कितना प्यारा ग्राफ है, इसे आप स्वेटर में बना सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।